जो सबसे पहली बात है वो ये है कि यू पीपल हैव टू वर्क हार्ड एंड यू पीपल विल हैव टू गो थ्रू ऑल द प्रीवियस लेक्चर्स सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड टूडेज लेक्चर और आप आज के क्वेश्चन को आंसर्स भी कर सकें सो प्लीज आप अपना जो होमवर्क है उसको कंप्लीट कीजिए पिछले लेक्चर्स दोबारा एक दफा देखिए रिकॉल कीजिए और फिर इस लेक्चर पे आगे चलिए चले सिक्स क्वेश्चन पार्ट टू द सब्जेक्टिव क्वेश्चन narrate पाकिस्तान रोल इन the ऑर्गेनाइजेशन ऑफ the इस्लामिक कॉन्फ्रेंस अब व्हाट यू हैव टू डू कि क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि आप पाकिस्तान का रोल जो ओआईसी में है विच इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉन्फ्रेंस उसको नरेट करें नरेट करने का मतलब होता है कि उसको खोल के बयान करें अब ये क्वेश्चन आंसर करने के लिए इन क्वेश्चन की जो की टर्म्स हैं वो आपको समझना बहुत जरूरी है जैसे नरेट जैसे डिस्क्राइब जैसे एक्सप्लेन कहने को तो आप लोग कहेंगे मिस हैं तो सारी से मिला दे आर सिमिलर लेकिन हर एक का कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है डिस्क्राइब एक ऐसी टर्म है जो आपको कहती है कि आप छोटे पैराग्राफ में सिर्फ इस बात को खोल के लिख दो कि वो चीज क्या है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूं कि डिस्क्राइब द फोर्टीन पॉइंट ऑफ कायदे आजम तो आप सिर्फ वो चौदह पॉइंट लिखोगे अगर मैं आपको ये कहूं कि एक्सप्लेन फोर्टीन पॉइंट ऑफ कायदे आजम तो आप उसमें वो चौदह पॉइंट लिखने के साथ साथ जैसे मैं आपको समझाती हूं वैसे उसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखोगे कि हर एक पॉइंट का मतलब क्या है अगर मैं आपको कह दूं कि नरेट तो नरेट में आएगा कि आप सिर्फ उन पॉइंट्स को लिखोगे और उनकी थोड़ी बहुत बैकग्राउंड बताओगे नाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चन आपका इन की टर्म्स को समझना बड़ा जरूरी है तो इस क्वेश्चन में द की टर्म इज नरेट नरेट का मतलब है आपने पाकिस्तान का रोल ओ आई सी में खोल के बताना है सो so, अगर आप पाकिस्तान को रोल खोल के बताएंगे तो सबसे पहले आप यह बताएंगे कि ओ क्या है उसके बाद आप बताएंगे कि OIC की फॉर्मेशन कैसे हुई पाकिस्तान ने उसमें क्या किरदार अदा किया कितने मेंबर्स उसके बने ठीक है अब साथ में आपको यह भी बताने की जरूरत है कि पाकिस्तान हैज ऑलवेज सपोर्टेड द मुस्लिम यूनिटी एंड ब्रदरहुड पाकिस्तान ने हमेशा मुसलमानों कि भाईचारे को सपोर्ट किया है और उसकी यूनिटी को सपोर्ट किया है हर वो कदम उठाया है विच इज फॉर द यूनिटी एंड ब्रदरहुड ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी और द मुस्लिम कंट्रीज अब अगर बात की जाए तो जब ओ के मेंबर्स बन गए 23 मेंबर्स थे ओ स्टार्ट हो गई अकॉर्डिंग टू ओ आई पर पाकिस्तान ने क्या क्या किया पाकिस्तान ने सिर्फ इसके बनने में या इसकी एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प नहीं की बाद में पाकिस्तान ने इस ऑर्गेनाइजेशन के सामने बहुत सारे ऐसे मुसलमान मुल्क थे जिनकी प्रॉब्लम्स हाईलाइट की और सामने रखी जैसे अगर हम बात करें तो जरूर की जो थी बात कि दे शुड बी फ्रीड फ्रॉम इसराइली इन्वेजन या इसराइली फोर्सेस पैलस्टीन का इशू कश्मीर इशू उसके अलावा पाकिस्तान ने जो इंडिपेंडेंस है ऑफ मोरक्को इस जैसे इश्यूज भी सामने रखे थे और इनकी इंडिपेंडेंस में इंडिपेंडेंस ऑफ लिबिया इनकी इंडिपेंडेंस में पाकिस्तान ने बहुत अहम किरदार अदा किया था फिर जो कॉन्फ्रेंसिस होती थी ओ की शुरू की कॉन्फ्रेंसिस तो पाकिस्तान ने होस्ट भी की ठीक है 1969 की कॉन्फ्रेंस उसके बाद उससे पहले 1956 में जो कदम उठाया था पाकिस्तान ने फॉर द यूनिटी ऑफ मुस्लिम कंट्रीज सो ये सारी चीजें आपको डिटेल में खोल के बतानी है पहले आपको ये बताना है ओआईसी क्या है फिर पाकिस्तान ने ओआईसी के बनने में कैसे काम किया कैसे 1969 में जो है वो स्टेब्लिशमेंट की बात हुई, हुई है ओ की एक कॉन्फ्रेंस में फिर उसके बाद यू हैव टू डिस्कस कि पाकिस्तान ने कौन कौन से इश्यूज जो है वो ओ में हाईलाइट किया और उनका सोल्यूशन जो है वो निकलवाया अगर आप पैलेस्टीन का इशू ले लें लिबिया का ले लें मोरक्को का ले लें और भी ऐसे दो तीन इशूज हैं जो पाकिस्तान ने ओ में हाईलाइट किए थे सो यू हैव टू बी फुल एक्सप्लिस खुल खुला के आपने ये आंसर लिखना है हर एक चीज को हाईलाइट करना है डिटेल में बताना है कोई चीज मिस नहीं करनी लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन द जेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ कश्मीर प्रॉब्लम अब क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि जेनेसिस जेनेसिस का मतलब है स्टार्ट कि ये प्रॉब्लम उभर के कहां से सामने आई तो प्रॉब्लम क्या है कश्मीर प्रॉब्लम है इसका स्टार्ट क्या था और ये आज जो इसकी शकल है कश्मीर इशू की वो कैसे उसने इख्तियार की सो यू डोंट हैव ओनली टू टेल द स्टार्ट जो कि 1947 के बाद ही एक्चुअली स्टार्ट हो गया था जबकि जब 1948 में फिर वॉर हुई जब इंडिया ने हमला कर दिया था कश्मीर पे फिर उसके बाद यूएन की इंटरवेंशन फिर यूएन की रेजोल्यूशन फिर उसके बाद उस रेजोल्यूशन पे कैसे एक्ट किया गया आई वुड सजेस्ट कि यहां पे उन्होंने कोई ईयर नंबर उन्होंने ये नहीं लिखा कि 2000 तक बताओ या 2020 तक बताओ तो आप टिल डेट आज तक के जो डेवलपमेंट है कश्मीर इशू में वो बताएंगे विच इज फॉर श्योर कि अनरिजॉल्व है ये तो इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि कश्मीर इशू आज तक अनरिजॉल्व है लेकिन इस पर क्या क्या कोशिश की गई जैसे यू का जो सोल्यूशन था रेजोल्यूशन जो उसने दी थी कि प्लेबिसाइट हो वो नहीं हुआ फिर उसके बाद आगे आके जब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में और यूएन में भी ये इशू जब हाईलाइट किया गया तो इंडिया ने इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया इस इशू को हाईलाइट नहीं किया हाउ एवर की वॉर में कश्मीर इशू वॉज वन ऑफ द कॉजेज सो इस तरह यहाँ से लेके एंड तक यू विल हैव टू एक्सप्लेन द कश्मीर इशू कि ये इशू बना क्यों फिर इसके ऊपर स्टेप्स क्या लिए गए एंड पाकिस्तान और इंडिया का टेक कि पाकिस्तान इसके लिए क्या रिस्पॉन्स देता है और इंडिया क्या रिस्पॉन्स देता है यू हैव टू फोर फैक्टर्स इन माइंड और उसके बाद अपने ये आंसर जो है एक्सप्लेन करना है क्योंकि इस क्वेश्चन की टर्म है एक्सप्लेन तो यू हैव टू कंप्लीटली नडेट डिस्क्राइब खुल के बयान करना है अपने इसको क्वेश्चन नंबर एट कॉम्प्रिहेंड पाकिस्तान रिलेशन विद एशियन कंट्रीज Comprehend, की टर्म ये है पाकिस्तान और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के रिलेशन कॉम्प्रीहेंड का मतलब है समझना तो आप किसी बात को तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप उसकी एक एक चीज को एक एक डिटेल को एक्सप्लेन ना कर दो तो पहले तो ये बताना कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज कितने हैं फिर ये बताना कि उनमें से हर एक के साथ पाकिस्तान का क्या रिलेशन है वो रिलेशन कब इस्टिश हुआ कैसे आगे बढ़ा डिवेलप कैसे हुआ फिर उसके अकॉर्डिंगली उन कंट्रीज ने बिहेव कैसे किया या पाकिस्तान ने उनके साथ कैसे बिहेव किया सो द स्टेप्स डेट वर टेकन बाय बोथ कंट्रीज और अगर आप फॉर एग्जाम्पल यू टेकिंग इन अकाउंट थ्री टू फोर सेंट्रल एशियन कंट्रीज तो हर एक एशियन कंट्रीज के साथ आप अलग अलग एक्सप्लेन करोगे हेडिंग देके ठीक है सो स्टेप्स दैट वर टेकन सो अगेन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड समथिंग इन ऑर्डर टू कॉम्प्रिहेंड समथिंग यू विल हैव टू कंप्लीटली एक्सप्लेन सो दीज आर ऑल्टरनेट टर्मिनोलॉजीज जिसमें आप डिटेल में आंसर देते हो तो कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए क्वेश्चन नंबर नाइन डिस्क्राइब पाकिस्तान अरेबिया द की वर्ड इज बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान आप दोनों कंट्रीज की इम्पोर्टेंस बताओ डू मैंशन के सऊदी अरेबिया जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है मुसलमानों के लिए डू मेंशन आर होली काबा देन यू टॉक अबाउट के ओवर द ईयर्स हर एक साल में कैसे सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान की हेल्प की ये भी मेंशन करो कि जो ऑयल है जो एनर्जी रिजर्व्स हैं वहां के उससे वो कैसे पाकिस्तान की हेल्प करना चाहता है ये किन प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है सो एवरी सिंगल स्टेप दैट वाज टेकन उनको आप एक्सप्लेन करो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों ने ये सारे आंसर्स जितने भी सब्जेक्टिव पार्ट में है पॉइंटर्स में नहीं देने बुलेट्स में नहीं देने पॉइंटर्स में नहीं देने आपने कंप्लीट पैराग्राफ्स के तौर पर इनको लिखना है सो राइट योर आंसर्स प्रॉपरली आंसर के अंदर लिख क्या रहे हो वो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि ये बात इंपॉर्टेंट है कि आंसर आप कैसे लिख रहे हो सो यस यू टॉक अबाउट द प्रोजेक्ट्स यू टॉक अबाउट द ईयरली इंसिडेंट्स यू एक्सप्लेन कैसे हुई आपने नोट किया होगा कि जो लेक्चर्स हमने जिनमें इन रिलेशंस को डिस्कस किया हुआ सारे कंट्रीज को या पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशंस को आई हैव मेड इट अ पॉइंट के हर इंपॉर्टेंट ईयर का नंबर भी मेंशन किया जाए ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब आप कनेक्ट करते हो ना सारे कंट्रीज के रिलेशन तो उस साल में पाकिस्तान ने सिर्फ एक कंट्री के साथ इंटरेक्ट नहीं किया होता सारे कंट्रीज के साथ इंटरेक्ट किया होता है अगर मैं 2000 में बात करूं कि 2000 में सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के दरमियान कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ तो 2000 में पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के अलावा बाकी भी कंट्रीज से इंटरेक्ट किया होगा सो so, जिनके साथ किया होगा उनके बारे में आप कनेक्शन बना सकते हो समझना आसान हो जाता है फॉरेन रिलेशन को सो इसलिए यू हैव टू मैं इट दैट वे फिर लेट्स टॉक अबाउट एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड सार्क कंट्रीज ये टेंथ क्वेश्चन है इसमें पाकिस्तान और सार्क कंट्रीज की बात हो रही है इसको भी हम उसी तरह लेके चलेंगे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे सार्क क्या है इसके कितने मेंबर्स हैं इसमें पाकिस्तान ने कब मेंबरशिप ली उसके बाद पाकिस्तान का रोल देन यू टॉक अबाउट उसी तरह डेटेड तरीके से इन फॉर्म ऑफ पैराग्राफ्स सार्क कंट्रीज के साथ पाकिस्तान का रिलेशन किस ईयर में डेवलप हुआ इस्टैब्लिश कब हुआ फिर उसके बाद क्या स्टेप्स लिए दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे की मदद करने के लिए किन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया, किया भी या नहीं किया कोई फेलियर हुआ या नहीं हुआ सो ऑल दीज थिंग्स अगेन यू हैव टू एक्सप्लेन इन डिटेल नाउ क्वेश्चन नंबर इलेवन डिस्क्राइब पाकिस्तान रिलेशन विद अमेरिका अब अगर हम देखें तो पाकिस्तान का रिलेशन हमने डिस्कस करना है विद अमेरिका और की टर्म हमारी क्या है डिस्क्राइब अमेरिका सुपर पावर क्यों है इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड पाकिस्तान के लिए इसके साथ रिलेशन एस्टेब्लिश करना क्यों नेसेसरी था उसके अलावा कैसे अमेरिका ने पाकिस्तान को लोन्स और एड्स दी कैसे दे वर विजिट्स फ्रॉम बोथ द कंट्रीज कैसे दे डिसाइडेड टू इन्वेस्ट इन ट्रेड एंड अदर प्रोजेक्ट्स और जो एड पाकिस्तान को अमेरिका ने दी वो एड कहां कहां यूज हुई बिकॉज़ यू आर डिस्क्राइबिंग तो आप हर एक फैक्टर और हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल के बारे में मैंशन करते हो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डिस्कस पाकिस्तान कॉन्ट्रीब्यूशन टू वर्ड पीस कीपिंग इन द वर्ल्ड तो डिस्कस करना है डिस्कस का वर्ड अहम है डिस्कस में आप जो इवेंट हुआ जो फैक्ट है वो तो देते ही देते हो लेकिन साथ में आप उस सिचुएशन को थोड़ा सा एनालाइज करके ये बात भी लिखते हो कि क्या ये सही थी या गलत थी सो यू हैव टू डिस्कस कि किस तरह अगर पाकिस्तान ने कोई कदम उठाया तो वो वर्ल्ड पीस की तरफ कैसे बढ़ा फॉर एग्जाम्पल अगर पाकिस्तान ने यूएन में या दूसरे किसी और ऑर्गेनाइजेशन में इस बात पे इम्फोसिस दिया कि वर्ल्ड पीस या टेररिज्म का जो है वो खात्मा होना चाहिए तो उसके लिए पाकिस्तान ने किस तरह इस बात को एक्सप्रेस किया फिर आप इस बारे में बात करोगे कि वर्ल्ड पीस के लिए पाकिस्तान ने क्या इकदाम लिए वर्ल्ड पीस के लिए यू विल नेवर फर्गेट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन यू एन द यूनाइटेड नेशन इसका मेंबर है पाकिस्तान इसके थ्रू पाकिस्तान बाकी मेंबर्स से जो है वो इंटरेक्ट करता है फिर पाकिस्तान ने जब भी यूएन ने कोई रेजोल्यूशन पास की जब भी यूएन ने कोई डिसीजन दिया उस डिसीजन के ऊपर पाकिस्तान ने एक्ट किया उसको एक्सेप्ट किया then talking about the independence of Libya, then talking about the Kashmir issue, ऐसे हर चीजें जो पाकिस्तान ने wahan highlight ki जिसके अकॉर्डिंगली पाकिस्तान को लगता था कि अगर ये चीज या अगर ये disagreement या अगर ये इश्यू सॉल्व ना हुआ तो इससे वर्ल्ड पीस को थ्रेट हो सकता है मोस्ट इंपॉर्टेंटली पाकिस्तान ने जो न्यूक्लियर एनर्जी के यूजेज के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन है जो रोकथाम है उसके साथ अग्री करके जो वर्ल्ड पीस मेंटेन करने के लिए अग्रीमेंट किया है वो सो so, अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में हमने कोई ऑलमोस्ट 11, 12 पॉइंट्स में ये पीस कीपिंग जो रोल है पाकिस्तान का वो डिस्कस किया था गो ओवर दैट लेक्चर एंड देन राइट द आंसर टू दिस क्वेश्चन इन अ वे आईव जस्ट टोल्ड यू क्वेश्चन का की पॉइंट जहन में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन को अगर क्वेश्चन के की पॉइंट या की वर्ड के तहत आंसर नहीं करोगे तो तब भी मार्क्स कट सकते हैं सो यू हैव टू बी डिटेल्ड बिकॉज इट्स अ सब्जेक्टिव पार्ट यू हैव टू गिव ईच एंड एवरी थिंग गिव द आंसर्स इन पैराग्राफ्स डू नॉट मेक बुलेट्स और पॉइंटर्स एक्सेप्ट के अगर कोई ऑब्जेक्टिव आ जाएं या कोई 14 पॉइंट्स आ जाएं कोई ऐसी चीज जो कि अनअवॉइडेबल है उसको आपको वैसे ही लिखना पड़ेगा बाकी चीजें जो है यू विल पैराग्राफ्स और हर एक को उस क्वेश्चन के की टर्म के अकॉर्डिंगली आंसर करना है अगर डिस्कस या एनालाइज होगा तो अपनी ओपिनियन डालनी है डिस्कस या एनालाइज नहीं होगा तो अपनी ओपिनियन नहीं डालनी आई होप दिस वे यूल बी एबल टू सॉल्व ऑल द सब्जेक्टिव क्वेश्चन वेरी इजिली नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर जब हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज